नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है। वो लेटेस्ट अपडेट ये है कि काशी विद्यापीठ यानी कि MGKVP व संबंधित महाविद्यालयों के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आना शुरू हो गया है। और ऐसे में कई सारे बच्चे कॉमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर किसका रिजल्ट आया है, किसका नहीं आया है। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभी मैक्सिमम जो है BCOM कोर्सेज के रिजल्ट शो कर रहे हैं। हालांकि आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे रिजल्ट को चेक करना है, किसका रिजल्ट आया है। लेकिन एक चीज मैं पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देखिए बच्चों, पिछले 3 सालों से हम काशी विद्यापीठ की हर एक्टिविटीज को वॉच कर रहे हैं। काशी विद्यापीठ में होता क्या है कि अगर आज रिजल्ट आया है तो अगले 1 हफ्ते 10 दिन लग जाते हैं अलग अलग महाविद्यालयों के रिजल्ट आने में। मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपका मेन कैंपस है तो आपका रिजल्ट थोड़ा सा पहले आता है, फिर जो अदर अटैच कॉलेज हैं किसी का आज किसी का कल, यानी कि धीरे धीरे क्या होता है ना कि वो वेबसाइट पे अपलोड होता चला जाता है और अगले 1 हफ्ते यानी कि 1 हफ्ते के अंदर सबका रिजल्ट प्रॉपर जो है दिखता है। हालांकि जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा उसी प्रोसेस के माध्यम से आप हर 2-3 दिन पे अपना रिजल्ट चेकआउट करते रहिएगा। बाकी जैसे जैसे हमारे पास कोई अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन फिलहाल मेरा यहां पे बताने का ये मकसद है इस वीडियो का कि हाँ, आपका रिजल्ट आ गया है बीकॉम में। कई सारे कॉलेज के अटैच कॉलेज के रिजल्ट आ गया, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आए हैं, लेकिन सबके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। आप लोग चेकआउट करते रहिएगा क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोग प्रैक्टिकल हुए थे, तो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सबका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आइए मैं आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल के स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको अपना रिजल्ट चेकआउट करना है। तो आइए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि कैसे आपको अपना रिजल्ट चेकआउट करना है। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि ये जो साइट है आपको ना मिले, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करूँगा कि इस वेबसाइट का लिंक दे दूँगा। उस लिंक के माध्यम से आप क्या करेंगे कि रिजल्ट को अपने चेकआउट करेंगे, और जैसे ही उस आप लिंक पे टैप करेंगे, जो यानी कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दूंगा, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। ठीक है, यानी कि इतनी डिटेल आपसे लेगा। कहने का मतलब है कि आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, इनरोलमेंट नंबर आपको पता होगा, पता कर लीजिएगा, और उसके बाद अपना नाम डालेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और ध्यान दीजिएगा आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे पासवर्ड जाएगा, और वहीं पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करके आपको सबमिट करना है। उसके बाद एक और स्टेप है, ध्यान दीजिएगा, जब पासवर्ड आएगा तो पासवर्ड डाल करके आप सबमिट करेंगे, तो एक अगला स्टेप है। आइए हम उस स्टेप को भी आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप जो है अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, यानी कि आप वहाँ पे आपका OTP जब आपके ईमेल आईडी आप जो मोबाइल नंबर पे जाएगा, जैसे आप डालेंगे, तो देखिए इनरोलमेंट नंबर आपको पता है और सेम पासवर्ड जो आप पासवर्ड आप डालेंगे, इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे कैप्चा कोड को डाल करके क्या करना है कि आपको जो है यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, तो आपका रिजल्ट शो करेगा। ध्यान दीजिएगा, हालांकि अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा रिजल्ट कैसे दिखेगा, लेकिन इन सब प्रोसेस को आपको करना पड़ेगा क्योंकि अभी मेन वेबसाइट पर नहीं आया, तो हो सकता है थोड़ा सा वक्त लग सकता है। हालांकि सारी बातें मैं अपडेट करता रहूँगा, कोई समस्या आती है तो आप बस हमको कमेंट बॉक्स में सारी समस्या बताते रहिएगा, मैं आपको आपका रिप्लाई अलग अलग वीडियो के माध्यम से करता रहूँगा। ठीक है, तो घबराने की परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हमने अपना जो है रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल था वो डाल दिया है, और पासवर्ड जो हमारे जो है मोबाइल नंबर और OTP के थ्रू आया था, और उसके बाद कैप्चा कोड डाल करके आपको एंटर करना है। आइए इस प्रोसेस को भी हम कंप्लीट करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे ही आप उस पर लॉगिन करेंगे ना, देखिए कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने भी खुलेगा, और ये एक अभ्यर्थी की डैशबोर्ड। देखिए यहाँ पर जब आप टैप करेंगे, देखिए मेरे ख्याल से देखिए अभिषेक कुमार दुबे इनका डैशबोर्ड दिख रहा है, और रिजल्ट देखिए इस पर टाइप करेंगे तो रिजल्ट वाला ऑप्शन पर आप आ सकते हैं। रिजल्ट वाले ऑप्शन पर अगर आप आएंगे, सेमेस्टर में वार्षिक परीक्षा फल रिजल्ट, तो ब्यू कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ईयर 1 सेमेस्टर 1 देख सकते हैं आप लोग, रेगुलर सेमेस्टर यहाँ लिखा है, BCOM है और इनका नाम है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अभी क्या है कि पूरा रिजल्ट नहीं है, यानी कि बहुत सारे बच्चों का जो है सब्जेक्ट वाइज डिटेल आपका रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने पहले ही बोला कि 1 हफ्ते से 10 दिन लग जाएगा अलग अलग कॉलेज का, अलग अलग कोर्सेज का रिजल्ट आने में। हालांकि आपको हर दिन 1-2 दिन पे चेक करना है, अभी मेन वेबसाइट पे भी रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट करते रहिए, लेकिन रिजल्ट आना शुरू हो गया है इतना जान लीजिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।